रोइए मत, बिल्कुल मत रोइए, कोई टेंशन नहीं है, ऊपर वाला आपके साथ है, भेज दिया उसने मेरे को आपके लिए, बिल्कुल मत रोइए। दोस्तों, सोशल मीडिया की पावर आजकल बहुत ज्यादा है, हर चीज सोशल मीडिया पर है और सोशल मीडिया के कारण बहुत लोगों को तरक्की मिल जाती है और वो भी रातों रात। ऐसा ही एक वीडियो जो है वो ट्रेंड हो रहा है सोशल मीडिया के ऊपर, खास करके YouTube और Twitter पर। Twitter पर एक छोटा सा क्लिप एक यूट्यूबर ने अपलोड किया था और ये जो क्लिप है वो रातों रात इतना ज्यादा फेमस हुआ कि एक बुजुर्ग की किस्मत बदल गई। सबसे पहले वो आप ट्वीट देखिए, उसके बाद हम बातचीत करेंगे कि क्या हुआ। इन्होंने कोशिश करना नहीं हारा, लेकिन हमें इनको कुछ ना कुछ हेल्प करनी पड़ेगी, सपोर्ट करनी पड़ेगी। तो अगर आप सपोर्ट करना चाहते हैं इन लोगों को, इन दोनों को, तो मैं नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में ना मोबाइल नंबर दे दूंगा, अपना नंबर दे दूंगा। और इनके पास मोबाइल भी नहीं है कि हम इनको कुछ हेल्प कर सके। चिंता मत करो अंकल, अब मैं आपकी जो ये वीडियो है ना, हम कोशिश करेंगे कि इतनी ज्यादा वायरल करें। और मैं आप सबसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि जी इनको हमारी जरूरत है, तो हम एक मुहिम चालू करेंगे जिससे हम लोग थोड़ा सा चंदा इकट्ठा करेंगे, और जितना भी इकट्ठा होगा चंदा आपको और आपको आंटी को मैं खुद लाके दूंगा, और जितने भी मेरे फॉलोअर सब्सक्राइबर है हम सब मिलके आपकी मदद करेंगे। और आपको बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिएगा, तो मैं आपको अपना नंबर दे दूंगा, आप लोग वहां पे आके डोनेट कर सकते हैं। और जो भी डोनेशन होगी हम अगली वीडियो एक बार दोबारा बनाएंगे, और जितनी भी डोनेशन होगी उस डोनेशन में इनकी हेल्प करेंगे। अंकल रोइए मत, बिल्कुल मत रोइए, कोई टेंशन नहीं है, ऊपर वाला आपके साथ है, भेज दिया उसने मेरे को आपके लिए, बिल्कुल मत रोइए। तो दोस्तों, जैसे कि आपने क्लिप के बीच में देखा कि एक बुजुर्ग अपनी बात बता रहे हैं, दिल्ली के मालवीय नगर के ये रहने वाले बुजुर्ग हैं, जिन्होंने मालवीय नगर के बिल्कुल सामने एक छोटा सा ढाबे टाइप का एक काउंटर खोला, और काउंटर पर ऊपर लिखा हुआ है बाबा का ढाबा। तो ये बाबा का ढाबा फेमस नहीं था, और बुजुर्ग के पास जब यूट्यूबर पहुंचा तो उन्होंने अपनी दास्ता सुनाई, और दास्ता दिल को छू लेने वाली थी। रोते हुए बुजुर्ग ने बताया कि उनके पास कोई खाने के लिए नहीं आता, और जैसे ही ये अपलोड हुआ और ये वीडियो इतना ज्यादा फेमस हुआ, अगर आप ट्विटर यूज करते हैं तो आज आप देख सकते हैं हर जगह ट्रेंडिंग हो रहा है बाबा का ढाबा, और बड़े बड़े चैनल, बड़े बड़े हस्तियां आज बाबा को संपर्क कर रही हैं। दिल्ली के कई विधायक जो हैं वो बाबा के सपोर्ट में आ गए हैं। और अब एक दिन के बाद कैसा रहा उनका दिन, ये देखिएगा इस वीडियो के बीच में। कांता प्रसाद और बादामी देवी कई सालों से मालवीय नगर में अपनी छोटी सी दुकान लगाते हैं। दोनों की उम्र करीब 80 वर्ष है। कांता प्रसाद बताते हैं कि उनके दो बेटे और एक बेटी है, लेकिन तीनों में से कोई उनकी मदद नहीं करता, वो सारा काम खुद ही करते हैं और ढाबा भी अकेले ही चलाते हैं। कांता प्रसाद पत्नी की मदद से सारा काम करते हैं। वो सुबह 6 बजे आते हैं और 9 बजे तक पूरा खाना तैयार कर देते हैं। रात तक वो दुकान पर ही रहते हैं। लॉकडाउन के पहले लोग यहाँ खाना खाने आते थे, लेकिन लॉकडाउन के बाद उनकी दुकान पर कोई नहीं आता, इतना कहकर वे रोने लगते हैं। उनकी मदद के लिए टीम इंडिया के स्पिन गेंदबाज रविचंद्रन अश्विन, आईपीएल की फ्रेंचाइजी दिल्ली कैपिटल और बॉलीवुड एक्ट्रेस सोनम कपूर आगे आई है। कई यूजर्स ने बुजुर्ग कपल की बैंक डिटेल भी मांगी है जिससे वे लोग उनकी मदद कर सकें। ये सोशल मीडिया की पावर है जिसने एक बाबा जी को रातों रात फेमस भी कर दिया और उनकी रोजी रोटी भी चल पड़ी। तो दोस्तों, ये बाबा जी ऐसे हैं, इनकी उम्र ज्यादा है, ये इनका एक मैसेज कि जिस तरह से लोगों ने इनकी मदद की है उसी तरह से दूसरे लोगों की मदद की जानी चाहिए। बहुत से ऐसे लोग हैं जो भीख नहीं मांगते, काम करके खाना चाहते हैं, लेकिन उनकी कोई मदद नहीं करता और मजबूरन उनको भीख मांगने के लिए उतरना पड़ता है। तो दोस्तों, हमें चाहिए क्या कि हम उन लोगों की मदद करें जो छोटे छोटे सामान लेकर बाजारों में निकलते हैं। एक फोटो आपने, मैंने भी एक दो दिन पहले पोस्ट की थी कि एक लेडीज बच्चे को उठाकर गुब्बारे बेचने के लिए निकली, अबोहर शहर की ये फोटो है। तो ऐसे लोगों की मदद करनी चाहिए हमें। अगर भीख मांगने वाले को हम 10 रुपए दे सकते हैं तो ऐसे लोगों से 10 रुपए का खिलौना भी खरीद सकते हैं। तो दोस्तों, इसी उम्मीद के साथ में कि अगर आपको इस तरह का कोई भी व्यक्ति दिखे उसकी मदद के लिए आगे आइएगा। धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।